हेलो एवरीवन, ग्रेड सिक्स स्टूडेंट्स, एज यू नो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर फोर एग्रीकल्चर। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो हम क्रॉप्स को इन फॉलोइंग टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्स्ट टाइप, फूड क्रॉप्स। These crops are produced for use as food, so these are known as food crops. For example, wheat, rice, maize, oats, etc. तो ये सारे जो हैं food crops हैं, because हम इनको खाने के तौर पे use करते हैं. Second type of crops are cash crops. These crops are grown mainly for commercial purposes. These are known as cash crops. These are sold for profit in the market. कॉटन, जूट, ऑयल सीड एट्सेट्रा। इन क्रॉप्स को हम इसलिए ग्रो करते हैं ताकि इनको हम सोल्ड करके प्रॉफिट अर्न कर सके, मनी अर्न कर सके। सो दीज आर नोन एज कैश क्रॉप्स। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप्स आर फॉडर क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन एज फूड फॉर लाइव स्टॉक, सो दीज आर नोन एज फॉडर क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को हम अपने लाइव स्टॉक, काउज, बफलोज के लिए ग्रो करते हैं उनके फूड के तौर पर। बार्ली, टर्निप एंड सर्टेन ग्रासेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर प्लांटेशन क्रॉप्स। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज दैट आर ग्रोन ऑन वेरी लार्ज फार्म्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो हैं जिनको बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स में ग्रो किया जाता है, एंड मेन मोटिव इज प्रॉफिट हेयर। सो प्लांटेशन क्रॉप्स का भी मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना है। कॉफी, टी, रबड़ एट्सेट्रा आर द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। नाउ आई विल डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। अभी मैं बात करूंगी आधुनिक और परंपरागत खेती बाड़ी में मेन डिफरेंसेस की। सो फर्स्ट डिफरेंस इज इन द प्रेपरेशन ऑफ फील्ड। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इट इज डन मैनुअली। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत तरीके में ये सारा काम एक प्लो को कैटल के साथ टाई अप करके फील्ड को टिल किया जाता है। बट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स आर यूज्ड टू टिल द सोयल, एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इट इज डन बाय हैंड और विद द टूल्स लाइक सिक्कल। परंपरागत तरीकों में सिक्कल यानी कि दाती के साथ या फिर हैंड के साथ ही हार्वेस्टिंग की जाती है। बट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी इज यूज्ड हेयर। थर्ड डिफरेंस इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इज ऑन द बेसिस ऑफ इरीगेशन। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इरीगेशन इज डन बाय हैंड। वाटर इज ब्राउट फ्रॉम वेल्स, हैंड पंप्स और ट्यूब वेल्स। यहाँ पे हाथों से ही इरीगेशन का काम किया जाता है। बट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सेवरल इनोवेटिव मेथड ऑफ इरीगेशन आर प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे हम एक नए आधुनिक तरीके यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। खेती बाड़ी में तरक्की हुई है, जो उन्नति है, उसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द मेथड्स यूज्ड एंड मेजर्स टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इस बात को बिल्कुल इंश्योर करता है कि कोई देश अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को पूरे का पूरा फूड जो है प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवा सके, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एम्स टू एड्रेस द इशू ऑफ लो यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो लो यील्ड है उसमें से उपज कम निकल रही है। रीजंस आर डिजीजेस, पेस्ट, लैक ऑफ इरीगेशन एंड पुअर क्वालिटी सीड्स। सो इट एम्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसका मेन एम क्या है? टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। एक छोटे से पीस ऑफ लैंड से ज्यादा उपज निकालना ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मेन एम है। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवार्ड्स दिस। तो इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति थी, उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? इट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। हरी क्रांति उन सुधारों की एक सीरीज है दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द 1930s एंड 1970s बाय अ साइंटिस्ट, नॉर्मन बोरलॉग।
तो ये वो सुधार थे जिनको 1930 और 1970 के बीच वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने इंट्रोड्यूस किया। हाउ ही स्टार्टेड, ही इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेन ऑफ वीट, उसने एक स्ट्रेन ऑफ वीट इंट्रोड्यूस किया, लेके आया। इट वॉज बोथ डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग। ये जो स्ट्रेन ऑफ वीट था जो उसने अपने मीन्स कनक के गेहूं के दाने लेके आया ग्रो करने के लिए, उनको ना तो कोई बीमारी ही लग सकती थी और वो हाई यील्ड ज्यादा से ज्यादा उपज देने वाले भी थे। सो दिस मूवमेंट इन्वॉल्व यूजिंग अ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। तो इस मूवमेंट में बहुत सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, पैकेज मीन्स काफी सारी चीजें का शामिल होना भी इसका मतलब समझा जाता है। सो इट मीन टू रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। हरी क्रांति का मतलब था कि ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को एडॉप्ट किया जाए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो। की फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर द की फीचर्स? फर्स्टली यूज ऑफ HYB सीड्स, सेकेंड यूज ऑफ मशीनरी, थर्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट इंक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड यूज ऑफ इरीगेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन फार्म्स एंड लास्ट वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYB सीड्स, बहुत ही उच्च क्वालिटी के सीड्स को, बीजों को यूज किया गया, मशीनरी को यूज किया गया, नए नए इनोवेटिव मेथड्स जो थे इरीगेशन उनको यूज करके फार्म्स को ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोवाइड की गई और मल्टीपल क्रॉपिंग मींस टू और मोर क्रॉप्स कुड बी ग्रोन ऑन ए फील्ड इन सिंगल ग्रोइंग सीजन। एक ही ग्रोइंग सीजन में दो से ज्यादा क्रॉप एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर ग्रो करना। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? फर्स्ट बेनिफिट वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसकी वजह से जो खेती की उपज थी बहुत ही बढ़ गई। सेकेंडली देयर वॉज इंक्रीज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। थर्ड वन इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, मोर एफिशियंट यूज ऑफ लैंड ऑल्सो मीन्स दैट फ्यूअर फॉरेस्ट नीडेड टू बी क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। इट मीन्स के जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम करते थे पहले, पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते, स्लैश एंड बर्न मेथड अडॉप्ट करते थे, उसको हम यूज करना कम हो गया। तो फॉरेस्ट की जरूरत जो थी क्लियर करने की वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी सेव हुआ। नेक्स्ट मल्टीपल क्रॉपिंग, इट ब्राउट प्रोडक्शन कॉस्ट डाउन बिकॉज एट सेम टाइम वी आर ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन ए सेम पीस ऑफ लैंड। ड्यू टू दिस इट लोअर्ड द प्राइस ऑफ फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स की प्राइस भी कम हो गई और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी डेवलप होने का टाइम मिल गया। बट देयर आर सम डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ की कमियां भी होती हैं हर किसी रेवोल्यूशन में, क्रांति में। सो हेयर आर सम डिमेरिट्स। फर्स्टली हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पोल्यूटेड द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। ज्यादा फर्टिलाइजर रासायनिक चीजों को यूज करने से, पेस्टिसाइड को, नदी नाशक को यूज करने से जो हमारी अर्थ है और ग्राउंड वाटर है वो क्या होने लगा है, पल्यूट। हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेड टू डिप्लीशन ऑफ द सॉइल्स नेचुरल फर्टिलिटी। जब हम बार बार अपनी सॉइल के ऊपर केमिकल्स को यूज कर रहे हैं उसको फर्टाइल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस लेने के लिए, सो ड्यू टू दिस क्या हो रहा है, जो हमारी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो डिप्लीट हो रही है, कम होती जा रही है। एंड मैनी ऑफ द न्यू फार्मिंग मेथड्स आर एक्सपेंसिव। जो नए मेथड्स हैं मशीनरी यूज करना, दीज आर एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली हैं, बहुत ही महंगे हैं, जिनको सिर्फ रिच फार्मर्स ही यूज कर सकते हैं। जो पुअर फार्मर्स हैं उनको ये यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो क्योंकि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट थिंग, द यूज ऑफ मशीनरी इन फार्म्स रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर। दिस कॉज अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज मशीन्स के साथ वर्क होने लगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ गई है। बट किसी भी चीज के अगर कोई फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। बट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया है उसने अपनी फूड सिक्योरिटी को हासिल कर लिया था। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टिल टुडे
When India gained independence in 1947, the country was barely producing enough food to feed its people. आजादी के वक्त तो सिर्फ फूड क्रॉप्स को ही ग्रोन किया जाता था ताकि अपनी कंट्री की नीड्स को फूड नीड्स को फुलफिल किया जा सके. पर यील्डिंग पर हेक्टेयर वाज वेरी लो एंड फेमाइंस एंड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन कॉमन. उस टाइम पे स्टारवेशन मींस भूखमरी की वजह से डेथ होना, लोगों की मौत हो जाना आम बात थी. फेमाइन अकाल पड़ जाते थे ड्यू टू ड्राउट्स, सोका पड़ने की वजह से अकाल पड़ जाते थे. आफ्टर सेवरल डिकेड्स ऑफ फोकस्ड एफर्ट, काफ़ी सदियों तक, दहाकों तक, डिकेड्स मीन दहाके, 10 ईयर, कई डिकेड्स तक इंडिया ने फोकस किया, देन इट इज़ इन ए मच बेटर पोजिशन टूडे. जिसकी हेल्प की है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू. द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू गेन फूड सिक्योरिटी. So at present over half of India's population depends on agriculture for their livelihoods. ये बात बहुत ही important है. It is very important कि हमारी more than half population depends on agriculture. हमारी आधे से ज़्यादा जो population है इंडिया की वो agriculture के ऊपर depend करती है. It is a significant amount of the India's gross domestic product. GDP जो है it also comes from agriculture. So agriculture plays an important role in economic development of the But here are also some problems in agriculture. Despite this, agriculture in India continues to be plagued by many problems. Which are these problems? I will discuss one by one. Firstly, more than 2/3 of the farmers in India are marginal farmers. इंडिया में 2/3 से भी ज़्यादा फार्मर्स जो मार्जिनल फार्मर्स हैं. आपको मैं एक एग्जांपल हिंदी में बता के समझाऊंगी. मान लो आपके ग्रैंडफादर के पास 10 हेक्टेयर थे और आपके फादर और आपके अंकल मिलके दो हुए तो उनको 5-5 हेक्टेयर आ गई. आगे फिर से आपके दो ब्रदर हैं तो आगे उनको कितने मिले, 2.5 हेक्टेयर. सो दिस लैंड गेट्स डिवाइडेड फर्दर बिटवीन देयर चिल्ड्रन एंड सो ऑन, जिसकी वजह से मार्जिनल फार्मर्स की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है. ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लैंड मैनी फार्मर्स प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग. क्योंकि लैंड का साइज स्मॉल है जिसकी वजह से वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को करने के लिए मजबूर हो गए हैं. दे कॉन्टिन्यू टू यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. तो मजबूर हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ करें कि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. सो दिस रिजल्ट्स इन पुअर यील्ड एंड इंक्रीजिंग लॉसेस, जिसकी वजह से पुअर यील्ड है, कम उपज निकल रही है और लॉस जो इंक्रीजिंग लॉस हो रहा है, जो हमारी उपज बढ़नी थी वो बढ़ने की बजाय कम होगी छोटे छोटे खेतों की वजह से. सो इट ट्रैप्ड देम इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट दे आर ऑफन अनेबल टू एस्केप. तो उनको एक ऐसे गरीबी के चक्कर में फंसा दिया जिससे निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम है किसानों के लिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम द इंटेंसिव पॉवर्टी ऑफ दीज फार्मर्स, इट फोर्सेस देम इनटू डेब्ट. तो इतनी गरीबी उनको किसकी तरफ खींच के ले जा रही है, डेब्ट, कर्जे की तरफ. सिंस देयर एक्सपेंडिचर इज मोर देन देयर इनकम, बिकॉज जो उनके खर्चे हैं एक्सपेंडिचर है वो उनकी इनकम से ज्यादा है. सो दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उनको अपने मनी लेंडर से बहुत ही ऊंचे ब्याज के ऊपर पैसा लेना पड़ता है. सो दे आर अनेबल टू पे बैक द लोन एंड दस फोर्स टू सेल देयर लैंड. तो इनको अपना जो पैसा वापस नहीं दिया जाता, उनको अपना डेब्ट कर्जा वापस नहीं दे पाते, लोन वापस नहीं दे पाते, तो उनको अपनी जो जमीन है तो उसको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, बेचना पड़ता है. इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द, सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स वी कैन टैकल ईजिली इफ गवर्नमेंट्स विल हेल्प अस. अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे तो हम इनको ईजिली टैकल कर सकते हैं. सो टूडे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू बोथ द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड अंडर एग्रीकल्चर एंड द एग्रीकल्चरल आउटपुट. तो आज इंडिया जो है दुनिया में लीडिंग कंट्री है, जो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी आधारित कंट्री है. हाउएवर लॉट स्टिल नीड्स टू बी डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, बट फिर भी खेती बाड़ी में सुधारों की बहुत ही जरूरत है. थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. हैव अ नाइस डे.